चले बेटा, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के अंदर, फिर लाइन टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों को खुद सॉल्व करनी है, कुछ डाउट है आता है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है, बता दूंगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, हम लोग लिखते थे a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, सही है, एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए कि जब दो लाइंस स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस स्पेस के अंदर, तो अगर लाइन स्क्यू लाइन से तो वो तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, लेकिन स्पेस के अंदर कोई भी दो लाइन से अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करती है, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तब उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दो लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे कम डिस्टेंस कहां पर है, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो इंटरसेक्ट कर रही का मतलब क्या है, उनके बीच में उस पॉइंट पर डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस जीरो है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम ही जीरो होता है। तो मुझे आप बताइए, दिस डिनोट्स, ये फॉर्मूला क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बताता है और अगर आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होता है, तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब बनेगा बेटा, जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा, ये एक्सप्रेशन जीरो कब बनेगा, जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर जीरो होगा का मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट जीरो होगा, तो बस ये वाली चीज यूज होगी इस वाले एग्जांपल में या फिर इस एग्जांपल में भी। इस एग्जांपल में कैसे, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपको, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके अंदर दो क्वेश्चन दिया, मैंने एक ही लिखा है, ये बता दूंगा आपको, तो दोनों भी आप ही को करने हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये इंटरसेक्ट करती है कि नहीं। तो आपको करने के लिए क्या कहा है, कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कंप्यूट करने मतलब फाइंड आउट करना है, आपको इन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, यहाँ पर a1 बार ये है, a2 बार ये है, b1 बार ये है, b2 बार ये है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो आप निकालेंगे। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आता है तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, अगर जीरो के बगैर कुछ भी आएगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, समझ रहे हो बात को। तो जब आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच का और अगर वो अदर देन जीरो आता है, तो आप क्या कहेंगे कि दीज टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट जो बोलना है बोलो, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, समझ में आई बात। तो दोनों एग्जाम्पल के लिए वही करना है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जैसे यहां पर दिया है, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड के। अब जैसे यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो के की वैल्यू निकालिए। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अगर ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो भैया इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, दैट इज इस लाइन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जीरो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली फिर से वही करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बस यहां पर क्या समझना है आपको, यहां पर क्या बोलेंगे आप कि इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वी नो दैट द शॉर्टेस्ट बिटवीन देम इज जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, दैट इज दिस इज इक्वल टू जीरो होगा, ये हमें पता है। तो बस यहां से पहला इक्वेशन दिया है, x-1/2 y+1/3 z-1/4, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे a1 बार एंड b1 बार, तो b1 बार तो आपका है 2i+3j+4k, 2, 3, 4, और a1 बार क्या लिखना है आपको, मैंने बताया माइनस होगा तो एज इट इज लिखना है, दैट इज 1i+ है मतलब -j(1×i), ठीक है, और माइनस है मतलब एज इट इज, दैट इज के क्या। तो ये a1 बार मिल गया। अब सेकंड लाइन के लिए, दैट इज x-3/1 y-k/2 and z/1, इसके लिए b2 बार क्या रहेगा, i+2j+k, ठीक है। हाँ अब यहाँ, हाँ पहले ये चीज समझ लो कि इसका शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगा, मतलब ये पूरा जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, सिर्फ न्यूमरेटर जीरो लेंगे तो भी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये उधर जाके जीरो में समा जाएगा तो ये रह जाएगा। और ये क्या है, देखिए ये क्या है, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो
तो यहाँ पर ए वन बार मिल चुका है, ए टू बार लिखेंगे, माइनस ए मतलब थ्री आई कैप, माइनस ए मतलब प्लस के कैप, ठीक है ना। माइनस ए तो एज इट इज लेना है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो के कैप, सॉरी ये मैंने क्या लिखा, के जे कैप लिखना है मुझे, ठीक है ना, एंड प्लस जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेड माइनस जेड वन, जेड वन जीरो है। अब बेटा क्या समझ रहे हो आप, देखिए दोनों लाइन से आपने ए वन बार ए टू बार लिख दिया, बी वन बार बी टू बार लिख दिया। अब आपको पता है कि दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, देयर फॉर दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो कैसे आया पता चल गया ना, न्यू मैटर जीरो होगा। तो अब बस बात खत्म, ये क्या है, ए टू बार माइनस ए वन बार एक बार निकाल लो, और आप चाहते हो तो बी वन बार क्रॉस बी टू बार भी निकालो, या फिर सिर्फ ए टू बार माइनस ए वन बार निकालो। जैसे मान लीजिए ए टू बार माइनस ए वन बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए टू बार माइनस ए वन बार कितना आएगा, थ्री आई कैप माइनस आई कैप दैट इज टू आई कैप, जे कैप है ही नहीं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस जे कैप आएगा, और सॉरी है ना जे कैप यहाँ पर, के प्लस वन जे कैप आएगा और माइनस के कैप आएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ए टू माइनस ए वन बार। तो बेटा ये एक वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इस वेक्टर के कोएफिशिएंट दैट इज टू के प्लस वन एंड माइनस वन, फिर बी वन बार के कोएफिशिएंट बी वन बार दैट इज टू थ्री फोर, और बी टू बार दैट इज वन टू वन इज इक्वल टू जीरो, तो इससे आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करो, के का वैल्यू निकालो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा लाइन टॉपिक खत्म हो जाता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे, तो मिसलेनियस आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।